हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को वर्णमाला का ए बना के दिखा रहा हूँ। ए कैसे बनाया जाता है तो आप ध्यान से देखिए, ए कैसे बनाते हैं ब्रश और कलर। जब ब्रश को कलर में डुबोते हैं तो उसको इस तरह से दोनों साइड से पोंछ लेते हैं, कलर नहीं फैलने पाता है। ठीक, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं आपको ए बना के दिखाता हूँ। इंग्लिश का ए नहीं, हिंदी का ए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आप देख सकते हैं किस तरह से टेढ़ा ब्रश, ये तो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ब्रश पकड़ने का तरीका जो है तो टेढ़ा होना चाहिए। ये लाइन हमारी ए के लिए खींच चुकी है, हमको ए बनाना। फिर टेढ़ा ब्रश सीधा इस तरह सीधा खींच सकते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं आएगा अच्छा, इसलिए अपन को इतना टेढ़ा करके खींचना। और ब्रश हमेशा अच्छे से पोंछ के, और खड़ा ब्रश इस तरह खड़ा ब्रश रखना। ये इस तरह से पहली लाइन अपन को टेढ़े ब्रश में, यही फायदा होता है कि जैसे हमने यहाँ पे टेढ़ा ब्रश करके खींचा और यहाँ पे हमारा मोटा आया और यहाँ पे पतला हो गया, फिर यहाँ मोटा जब ऊपर ले गया तो फिर पतला हो गया। तो ये अक्षर की सुंदरता सिर्फ टेढ़े ब्रश के कारण ही बनती है। आप कहीं भी देखेंगे तो ऐसे ही अक्षर मिलेंगे। और दूसरी लाइन अपन को यहां से ऐसे खींच के इतना कर देना। पहली लाइन में टच ना होने पाए, ये देख सकते हैं हमारा ए बन चुका है। और आप तो जानते हैं, अगर आय बनाना है तो इसमें सिर्फ पाई लगानी है। चलिए मैं आपको पाई भी लगा के दिखा देता हूँ। एक ही मात्रा जो होती है इसमें लगाना है तो आय हो जाएगा। किसका? कैसे बनाते हैं? कंप्यूटर से। अरे वो तो पता, मतलब पैसे भी। तीस की 10 कॉपी। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे फोटो खिंचवाने वाले ग्राहक आ गए थे, तो आप देख सकते हैं मैंने ए और ए दोनों बना दिया है। ए एक प्रकार से और बनता है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सिंपली राइटिंग जब अपन करते हैं तो ज़्यादातर ये वाला ए का इस्तेमाल करते हैं जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। और वो वाला ए जब कभी बड़े अच्छा लिखने हुए तब लिखते हैं, राइटिंग के लिए ये वाला लिखते हैं जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। अब देखिए इस तरह से लाइन सेम होती है, बस उसका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब अपन शब्द बनाते हैं छोटे शब्द तब इस ए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा शब्द या कोई दुकान का नाम कुछ भी बड़ा लिखते हैं तब वो वाले ए का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से आसानी से ये बन चुका है हमारा। तो गाइस, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।